हेलो गाइस, एमबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक गुलेल का अनबॉक्सिंग किया था, आज मैं उसी गुलेल को असेंबल करके बताऊंगा कि आपको कैसे असेंबल करना है। जैसे कि देख रहे हैं आप, पैकिंग में ही है, मैं भी निकाला है, फुल्ली स्टील का है। इसके साथ मुझे जो रबड़ मिला था वो भी है, एक रबड़ कंपनी ने प्रोवाइड किया, अलग से मैंने दो खरीदा, बहुत अच्छा है। और इसका फुल्ली ऑटोमेटिक है, देख सकते हैं इसका लॉक कैसा है। खाली आपको रबड़ डालना है और टाइट करना है, दोनों लॉक एकदम एडजस्टेबल है। ये हैवी रबड़, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और स्पेशली हम इस किट के बारे में बताना चाहते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इस वीडियो में मैं इस किट के बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसके साथ साथ क्या आता है, क्या एक्सेसरीज है, जो भी है मैं सब बता दूंगा। इसके साथ एक हाईलैंड की मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का है, बट आप मार्केट से चाहे तो अच्छा हाईलैंड की यूज़ कर सकते हैं। ये एम वाला किट जो नॉर्मल है, इसके साथ साथ एक डोरी आता है ग्रीन और रेड कलर का है, इससे आप एम के एडजस्टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद दिए गए हैं, इस पर डालिए और लॉक कर दीजिए, एम के लिए एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो आता है, ये लेंस लगाने के लिए आता है, लेज़र लेंस जो वो है, जो पॉइंट के लिए है। आपको जिस तरह का मारना है उस तरह से सेट कर लीजिए। अगर आपको लेज़र यूज़ करना है उसे इस तरफ लगाइए, अगर आपको नॉर्मल एम किट लगाना है उसे इस तरफ लगाइए। लेवल के साथ आता है, इसमें आप लेवल देखकर, शुरू में जब आप सीखना चाहते हैं वो लेवल आपको ज़्यादा काम देगा। और इसका साथ हेलन की स्क्रू आता है, इसे लगाना बहुत ही आसान है। मैं जैसे मैंने कहा था, हेलन की उतना अच्छा नहीं है, आपके पास अगर अच्छा हेलन की है तो उसी से ही टाइट करिए। ऐसे पकड़ना है इसे, देखिए लेवल है, निशाना बीच से लगाना है। लेवल इसीलिए देता है कि आपको नया नया सीखने के वक्त आपका अच्छा काम आएगा। वैसे आप सीखने के बाद लेवल का कोई यूज़ नहीं है। ये लेज़र है, मैं लेज़र की किट लगा कर रख रहा हूँ इसीलिए कि वरना ये घूम जाएगा, इसका स्क्रू कहीं गिर जाएगा, मैं इसी के साथ लगा कर रख दूँगा। वैसे मैं लेज़र इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिर भी मैं लगा कर रखूँगा, इसी के साथ ही रहेगा। इसे एक्स्ट्रा हेलेंड की स्क्रू दिया है, कंपनी दिया है, एक्स्ट्रा एक ही पीस दिया है। अभी मैं आपको लेज़र लगाकर बताऊंगा कैसे लेज़र असेंबल करना है। लेज़र असेंबल करना बहुत ही आसान है, देख सकते हैं स्क्रू टाइप में ही रखिए और स्क्रू के जैसे कस दीजिए, बहुत ही आसान है लगाना। आराम से फिट हो जाता है, देखिए लेज़र एकदम बढ़िया लेज़र। इसका बैटरी मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, कोई भी घड़ी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। देखिए इतना रोशनी में भी इतना अच्छा से दिखाई दे, अंधेरा में बहुत ही साफ तरीके से दिखेगा आपको। वैसे हम लेज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मुझे उतना अच्छा से नहीं आता, इसीलिए मैं लेज़र को खोल के रख दूंगा, मुझे लेज़र नहीं चाहिए फिलहाल। रबड़ लगाना तो और भी आसान है, देखिए रबड़ मैंने हैवी वाला जो अलग से मंगाया मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। रबड़ लगाना एकदम आसान है, बस डालिए एकदम सीधा में डालिए, टेढ़ा वेढ़ा डालेगा तो आपको रबड़ में दिक्कत आएगा, ख़राब हो सकता है रबड़।
सीधा करके लगाइए और नट को कस दीजिए। बहुत ही आसान है इसे लगाना। दूसरी तरफ भी हम सेम लगा लेंगे। हाँ, रबड़ का सीधा देख लीजिए, वरना दिक्कत आ सकती है, आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है। सेम प्रोसीजर करेंगे, हम रखेंगे, नट कस देंगे। इसे और अच्छे तरीके से लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे हम। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी अच्छे से ही हो जाता है। देखिए मैंने लगा लिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रबड़। आप जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब आप इसके इस्तेमाल करोगे तभी आपको पता चलेगा। और गुलेल के तो बात ही कुछ और है, फुल स्टील ग्रिप डिज़ाइन, और साथ में आपके ग्रिप में लेदर का भी मिलेगा। और इसके साथ आप 1/4 का स्टील बॉल यूज़ कर सकते हैं। 1/4 का स्टील बॉल मार्केट में आपको 60 रुपये में मिल जाएगा, कोई भी साइकिल के शॉप में भी मिल जाएगा, गाड़ी के पार्ट्स के शॉप में भी मिल जाएगा। 60 रुपये है, आपको मार्बल से सस्ता पड़ता है, मार्बल महंगा पड़ता है, आपको कम मिलेगा। 140 पीस सिर्फ 60 रुपये मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये स्टील बॉल से मारेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, एमिंग के लिए, पर्पज़ के लिए आप साथ में मैग्नेट रख सकते हैं, आपको कैरी करने के लिए बहुत ही आसान होगा। मैग्नेट से स्टील बॉल चिपक जाएगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। इसके साथ आप पॉकेट वॉकेट में रखने का झमेला से एकदम फ्रीली कर सकते हैं। बेल्ट के साथ लगा लीजिए बस। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया गुलेल है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे मार सकते हैं एम प्रैक्टिस के लिए। मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था उसका वीडियो भी मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, उसका लिंक भी आप देख सकते हो वहाँ से जाकर। और आप अगर परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता